डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित, और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के ऊपर चर्चा करेंगे। हम इसमें बहुत इन डेप्थ नहीं जा सकते हैं। बेसिकली जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री है, कहीं ना कहीं 12th class 11th class में जो आप ज्योमेट्री पढ़े हैं उसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस यहाँ पर करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री क्या होता है, और जिन फॉर्मूले की, ज्योमेट्री के जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो प्लेलिस्ट है आपके यूट्यूब जो चैनल है मैक पंडित, उसके अंदर आप जाएंगे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें मेरा टारगेट एटलीस्ट जो है 300 to 500 वीडियोज का, इतने लेक्चर आपके लगेंगे, ठीक ना, ज़रूरत भी पड़ेंगे, ठीक ना। तो जब ज्योमेट्री का आएगा जो लेक्चर नंबर आई थिंक 101 से शुरू होगा, तो उस समय आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम उस समय बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, बल्कि इसी वीडियो को रेफरेंस में डाल देंगे कि आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आए बेसिक कॉन्सेप्ट में, ज्योमेट्री में, तो यहाँ ज़रूरत पड़ती है डायमेंशन की। और डायमेंशन में मतलब सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वह कॉन्सेप्ट आता है लाइन का, ठीक है ना, लाइन का या पॉइंट का। अब किसी भी दो पॉइंट को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, लाइन। और लाइन भी दो तरह से हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व लाइन। लेकिन इन सबसे ऊपर क्या है कि कोई भी पॉइंट है उसका लोकेशन क्या है, तो लोकेशन को अपन जो प्लेन में, चूंकि कॉपी पे अपन बना रहे हैं, ठीक ना, तो ऐसे कोऑर्डिनेट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे कार्टेजियन कोऑर्डिनेट की, किसकी बात करेंगे, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट, ध्यान दीजिएगा, क्या, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट। अब कार्टेजियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि जनरली किसी भी पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट पी है तो किससे इंडिकेट करेंगे, एक्स वाई से, मतलब यहाँ से एक्स डिस्टेंस कितना, यहाँ पर ये कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर, और ये जो है यहाँ पर एक्स से कितने डिस्टेंस पर है, वाई से, मतलब एक्स और वाई के रेफरेंस में क्या हो गया, ये आपका कार्टेजियन कोऑर्डिनेट हो गया। इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं कि मान लीजिए कि इससे जोड़ दिए, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना हो गया आर, और ये एंगल कितना हो गया थीटा। तो कार्टेजियन कोऑर्डिनेट में पी पॉइंट को आपने कैसे दिखाया, एक्स और वाई से। और दूसरा कोऑर्डिनेट एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या, पोलर। अच्छा, जब आप सॉफ्टवेयर में काम करेंगे ना इन फ्यूचर कभी भी, तो उसमें एक UCS मिलता है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब एक्स वाई तो डिफाइंड है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग एक्स वाई को भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम लोग बात करते हैं ऑटो कैड वगैरह में, और इसको डिफाइन करते हैं आर और थीटा से, ठीक है। अब जब पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेजियन में आप चेंज करते हैं तो एक्स इक्वल टू हो जाता है आपका क्या, आर कॉस थीटा, और वाई इक्वल टू होता है आर साइन थीटा, याद रहेगा। और यदि आर क्या है, तो आर आप निकालेंगे तो यही है ना आपका एक्स और ये वाई, तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद रहेगा। ये हो गया आपका एक तरह से रिजल्टेंट। और थीटा यदि निकालना हो तो थीटा इक्वल टू हो जाता है टेन इनवर्स और वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है सर, डाउट, आगे बढ़े। कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई पॉइंट है आपका यहाँ पर एक्स वन वाई वन, दूसरा पॉइंट है क्या एक्स टू वाई टू, ठीक है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और दो पॉइंट्स कौन है यहां पर, एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, ठीक है, एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू।
और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इन द रेशियो, सपोज कर लीजिए कि m1 m2, और m1 m2 क्या होता है जनरली, जनरली क्या होता है ये, जनरली क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग y1 एंड x2 y2, ठीक है, इन द रेशियो m1 इज टू m2, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग x1 तो क्या हो जाएगा इसका, दैट इज द m1 x1 प्लस m2 x2, यहाँ m1 m2 स्लोप नहीं रेशियो है, ध्यान रखिएगा, अभी स्लोप भी लिखते हैं m1 m2 से ही, m2 एंड ये क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y2 अपन m1 प्लस m2, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि मान लीजिए, यदि मान लीजिए कि कोई आपका पॉइंट है x1 y1, कोई पॉइंट है x2 y2 और कोई पॉइंट है x3 y3, ठीक है ना, इन तीनों को जोड़ करके आप बना देते हैं क्या ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका होता है, याद रखिएगा, हाफ और डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। इसका सेंट्रॉयड क्या होगा, कोई पूछता है कि वेयर इट्स सेंट्रॉयड, मतलब सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप समझ सकते हैं, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां निकालते हैं जहां पर मास होता है, ठीक ना, जहां पर वेट होता है, लेकिन यहां तो प्लेन एरिया है, तो सेंट्रॉयड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेडियन, सेंट्रॉयड की यदि बात करते हैं कि सेंट्रॉयड क्या होगा, तो सेंट्रॉयड जो है बेसिकली होता क्या है, याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेडियंस, मतलब ये जो लाइन है ना, इनके मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर आप खींच दें, सबके परपेंडिकुलर, तो कहीं ये जा करके एक पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मेडियंस, ऑफ मेडियन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेडियन क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3, ठीक ना, और इधर y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3, ठीक है। इन सेंटर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट कर दे, एंगल को बाइसेक्ट कर दे तब भी ये कहीं ना कहीं जाकर के मिलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर, क्या बोलते हैं, इन सेंटर, ध्यान रखिएगा, इन सेंटर बोलते हैं, और इन सेंटर को डिफाइन कैसे करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक ना, क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, ठीक है, ऑफ द एंगल, और वो कितना निकल करके आएगा दोस्तों, इन सेंटर, तो यहां से कोई पूछता है इन सेंटर कितना होगा, तो इन सेंटर हो जाएगा आपका, अब ये फिगर आपके सामने है यहां पर, ठीक है ना, ए एक्स वन, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी क्या है दोस्तों, इसका लेंथ है ए बी सी, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, ए वाई वन प्लस बी वाई टू
प्लस सी वाई थ्री अपन ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका जो है लेंथ ऑफ द साइड्स ए बी सी यदि मालूम हो तो आप इन सेंटर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक होता है सर्कम सेंटर, क्या होता है सर्कम सेंटर, ये तो इन सेंटर था। एक होता है सर्कम सेंटर, अब सर्कम सेंटर क्या होता है तो बेसिकली इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इनके राइट बाइसेक्टर मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तब जाकर के ये कहीं एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, मेडियन कट किए थे तो क्या मिला था आपको सेंट्रोइड। ठीक है, एंगल बाइसेक्ट किए तो क्या मिला इन सेंटर, अब जो लाइन है उसके बाइसेक्टर राइट एंगल बाइसेक्टर कर देते हैं, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचेंगे। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा एक और होता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये तो सर्कम सेंटर हो गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल हो गया। एक होता है ऑर्थो सेंटर, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, क्या होता है ऑर्थो सेंटर, तो बेसिकली इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, इसके अपोजिट साइड्स के, ठीक है, अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इसके अपोजिट साइड वाला के और फिर इसके, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इसके अपोजिट साइड से, फिर इसके अपोजिट साइड से, फिर इसके अपोजिट साइड वाले से, तब जहां मिलता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। यहां लिख भी देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द vertices to the opposite side of the triangle, to the opposite sides of the triangle, that means ki point of intersection of perpendicular drawn from the vertices to the opposite sides of the ट्रायंगल। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का, जिसमें कि पॉइंट के बारे में डिस्कस किए, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बारे में, कुछ थोड़ा ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर लिए। अब जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है दैट इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट लाइन उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे, सर्कल उसके बाद एलिप्स, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अब कोई भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, ठीक है ना, और कोई भी इसमें स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, तो स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट x1, ये आपका x1 y1 है और x2 y2 है, ठीक है, और ये xy तो था ही आपका, ठीक है, तो स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है ना, पहला पॉइंट देखिएगा, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 क्या हो जाएगा, तो स्लोप को इंडिकेट करेंगे जनरली m से हम लोग, और ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद स्लोप ऑफ ए लाइन, एनी लाइन, ठीक है ना, जैसे कोई लाइन है आपका ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा, यहाँ पर इसका स्लोप होता है ए एक्स स्क्वायर है, सॉरी स्लोप होगा इसका माइनस बी बाई ए या माइनस ए बाई बी,
माइनस ए बाई बी, दैट मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ सॉरी हाँ यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। और यही यदि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो तो इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप जो होगा यह होगा माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपन कोफिशियंट ऑफ बी। ठीक है, याद रहेगा कोई भी लाइन है तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है। अब लाइन का इक्वेशन क्या होता है, अभी हम बताए भी थे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइन आप ड्रॉ कर दिए, ठीक ना, तो इसका इक्वेशन होता है वाई एम एक्स प्लस सी। अब एम क्या है आपका स्लोप और सी क्या है इंटरसेप्ट, सी क्या है इंटरसेप्ट। ठीक है, दैट मीन्स कि अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक ना, अब इक्वेशन ऑफ लाइन तो अब कब किस कंडीशन में, कि जब स्लोप आपका एम हो एंड कटिंग एंड इंटरसेप्ट सी ऑन वाई एक्सिस हो। ठीक ना, पहला में हैविंग स्लोप एम, ठीक ना, एंड कटिंग एंड इंटरसेप्ट सी ऑन वाई एक्सिस। ठीक ना, तो क्या हो जाता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक ना, अब यहाँ पर जो है कटिंग इंटरसेप्ट a एंड b फ्रॉम द एक्सिस x और y, दोनों से इंटरसेप्ट कट कर रहा हूँ। ठीक ना, तो सेकेंड पार्ट आ जाता है आपका कटिंग इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट a एंड b, तो उसमें जो है क्या हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। ये क्या हो गया आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, जब दोनों का इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक ना, कोई लाइन है, ठीक ना, किसी पॉइंट एक्स वाई से या एक्स वन वाई वन से पास हो रहा है, तब उसका स्लोप क्या होगा, तब उसका स्लोप क्या होगा, यहां पर क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे कि ए लाइन पासिंग थ्रू ए लाइन क्या है, ए लाइन पासिंग थ्रू एक्स वन वाई वन, कोई लाइन है जो एक्स वन वाई वन किसी पॉइंट से पास कर रहा है एंड having slope m is y minus y1 equal to m x minus x1, मतलब इसका स्लोप आप क्या निकाल सकते हैं y minus y1 upon x minus x1। ठीक है, उसी तरह से ये एंगल थीटा बना रहा हो तो, एंगल थीटा बना रहा हो तो, ठीक ना, मतलब ए लाइन क्या लिखेंगे, ए लाइन पासिंग थ्रू, ए लाइन पासिंग थ्रू किससे पास कर रहा है आपका x1 y1 से, x1 y1 एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस, x एक्सिस से जो है ये एंगल थीटा बना रहा है, तब आप क्या लिख सकते हैं इसका इक्वेशन x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा प्लस सॉरी इक्वल टू y माइनस वाई वन अपन साइन थीटा इक्वल टू r, r क्या है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, हो जाएगा कि नहीं। ठीक ना, यही आपका लाइन है अभी तक। ठीक है, इसी में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन फॉर ए गिवेन इक्वेशन, कोई इक्वेशन दिया हुआ हो, ठीक ना, तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दी पासिंग
थ्रो दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, कोई लाइन है आपका क्या ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन है क्या ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ठीक ना। अब इन दोनों से इंटरसेक्ट करके एक लाइन जा रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? उस लाइन का इक्वेशन होता है दोस्तों ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन प्लस के, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये आपका क्या हो जाता है इक्वेशन। फिर अब देखें एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, मान लीजिए कि दो लाइन है और दोनों का स्लोप मालूम है, एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2, m1 एंड m2, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब इसमें जो आपका स्लोप है, ठीक ना, दो लाइन के बीच स्लोप तो ये हो जाएगा, लेकिन अब इसके अंदर भी कंडीशन है कि आपका दो लाइन जो है, मान लीजिए एक लाइन ये था जिसका स्लोप m1 था, एक ये लाइन है जिसका स्लोप m2 है, अब ये दो लाइन जो है टू लाइंस विल बी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल कब हो जाएगा ध्यान दीजिए, टू लाइंस विल बी पैरेलल इफ, यदि m1 इक्वल टू m2 हो जाए, दोनों का स्लोप बराबर हो जाए तो मतलब पैरेलल होगा, टू लाइंस विल बी परपेंडिकुलर यदि m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस वन, प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। एनी लाइन पैरेलल टू द लाइन, एनी लाइन पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन हो तो मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू तो जीरो होगा ही होगा, अब प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू भी जीरो, दोनों यदि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा हो तो वह उस लाइन के क्या होगा पैरेलल होगा। परपेंडिकुलर कब होगा, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दी लाइन कब होगा, जब ए एक्स आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, और यहाँ पर क्या हो जाए ए सॉरी बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के, कोई भी कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाए, तभी क्या हो जाएगा दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, डाउट है ठीक है, आगे बढ़े। लेंथ ऑफ एनी परपेंडिकुलर लाइन, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इसमें ध्यान दीजिएगा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम कोई पॉइंट है आपका x1 y1 टू द लाइन जो है, कोई लाइन है जिसका इक्वेशन है आपका क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो इससे परपेंडिकुलर खींचेंगे और इस पॉइंट तक, तो उसका लेंथ कितना होगा, तो इसका लेंथ हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपन अपन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक में कहीं कोई डाउट होने की संभावना नहीं है, तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों क्या आपका एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, उसके बाद जो है आपने देखा क्या स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट हम शुरू किए थे, तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आप देखे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के काफ़ी सारे मज़ेदार कॉन्सेप्ट बताए, ठीक ना। और उसके बाद जो है अब हम चल रहे हैं कहाँ पर, सर्किल पे, ठीक है ना, कहाँ पर सर्किल पे, ठीक ना, कि सर्किल का भी कुछ कॉन्सेप्ट बता दें। सर्किल के बाद पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और कोनिक सेक्शन के भी कुछ कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे।
अब सर्किल का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल है कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि कोई सर्कल है, क्या है, कोई सर्किल है, तो इसका कुछ सेंटर होगा सी और इसका कुछ रेडियस होगा और रेडियस की वैल्यू कितनी होगी आर, और ये भी रेडियस दैट मीन्स कि सरकमफ्रेंस में कोई कोऑर्डिनेट होगा मान लीजिए एक्स वाई, और सेंटर जो है कोई है जिसका कि कोऑर्डिनेट है एच और के, ठीक है ना। ये आपका प्लेन हो गया कौन सा, ओ एक्स वाई, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर एच के एंड रेडियस आर, ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, वाई माइनस के एक्स माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मेन इक्वेशन होता है, ध्यान रखिएगा कभी भी सर्किल का, ठीक ना। अब इसी से सारे इक्वेशन डेराइव होते हैं, ठीक ना। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना, इसको यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो जो है ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, सी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक ना, रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्कल, रिप्रेजेंट्स ए सर्कल रिप्रेजेंट ए सर्कल ऑफ सेंटर। अब इसका सेंटर कितना होगा, कितना है सेंटर, माइनस जी एंड एफ, माइनस जी एंड माइनस एफ, ये कोई इक्वेशन है। तो यदि ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ, और इसका रेडियस कितना होगा दोस्तों, रेडियस होता है इसका स्क्वायर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस सी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख लें, ये एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, क्या इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, एट द पॉइंट कहां पर, एक्स वन वाई वन टू द, मतलब सर्किल के किसी एक पॉइंट एक्स वन वाई वन पर टेंजेंट निकालना हो तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो सर्कल का एक पहले इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर सेंटर कितना है, जीरो जीरो, और रेडियस कितना है ए, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन यहाँ पर हो जाता है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पर कि कंडीशन ऑफ ए लाइन टू टच द सर्कल, ठीक ना, कोई सर्कल है और कोई लाइन है, तो लाइन किस कंडीशन में सर्कल को टच करेगा, हर चीज का एक कंडीशन होता है ना, ठीक ना। तो शादी नहीं हुई है, किसी को टच कर दिए तो दिक्कत है, शादी के बाद अपने पत्नी को टच करते रहो, लेकिन किसी और को टच किए तो फिर दिक्कत है। तो व्हाट विल बी द कंडीशन, कंडीशन है ना कि शादी हो गई, और शादी हो गई तो अपने पत्नी को चाहे जितना तुम टच करो या अपने पति को टच करो, वाइस वर्सा। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या होगा, इसको मैथमेटिक्स में कैसे शो करेंगे, तो देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं, कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर द लाइन, फॉर द लाइन y इक्वल टू क्या है, एम एक्स प्लस सी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू टच द सर्किल, टू टच दी सर्किल, और सर्किल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक ना। तो ये कोई सर्किल है और ये कोई स्ट्रेट लाइन है,
ये टच तभी करेगा जब c इक्वल टू क्या हो आपका a और स्क्वायर रूट वन प्लस एम स्क्वायर हो, तो ही ये टच करेगा। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट कंडीशन और कि टेंजेंट का लेंथ क्या होगा यदि वह x1 y1 से गुजर रहा हो। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 टू द सर्किल ठीक है ना, सर्किल कौन सा है आपका वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जो इधर भी कहीं लिखे थे हम, देखिए यही है ना, इसी को हम यहां भी लिख रहे हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दी कोई पॉइंट है एक्स वन वाई वन और इस सर्किल, तो सर्किल के सर्कमफेरेंस से दूरी कितने निकाले, कैसे निकालेंगे, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस उसका होता है दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी। ठीक ना, टू एफ वाई वन प्लस सी। तो ये था आपका सर्किल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग किसका, पैराबोला का। ठीक है ना, दैट मीन्स की कोनिक सेक्शन में, कोनिक सेक्शन में अब हम लोग देखेंगे पैराबोला। अब देखिए क्या होता है कि हम बता चुके हैं कि कोई भी कोन है, ठीक है ना, कोई भी कोन है, ठीक है, और ये इसका क्या है, एक्सिस है। ठीक है ना, और यदि इस कोन को आप कुछ इस तरह से काटते हैं ना, जहां बेस को भी कट कर रहा हो, बेस भी कट कर रहा हो, तो इससे जो शेप मिलता है ना इस सेक्शन में, आप इसके परपेंडिकुलर जब देखते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर जब आप देखते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या दिखता है यहां पर, पैराबोला। ठीक है ना, अच्छा पैराबोला बनता कैसे है, ठीक है ना, पैराबोला बनेगा कैसे, तो अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा कि पैराबोला बनता कैसे है। पैराबोला जो है आपका, पैराबोला जो है, सॉरी थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, यहां पर कोई आपका, इसको हम लोग क्या बोलते थे, डायरेक्ट्रिक्स, थोड़ा सा बचपन की यादें दिला दें, और ये बोलते थे एक्सिस। ठीक है, इसमें एक निकल करके आता था क्या, वर्टेक्स, इसमें क्या एक निकल करके आता था, वर्टेक्स, और इसी वर्टेक्स के हेल्प से हम क्या बनाते थे, इसी वर्टेक्स के हेल्प से हम बनाते थे क्या, पैराबोला कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता था, ये होता था क्या, फोकस। ठीक है, इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट क्या है, ए जीरो। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये जो इक्वेशन है, मान लीजिए एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो है, मतलब एक्स इक्वल टू माइनस ए, और ये कोई पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका फोकस का तो एक डिस्टेंस हो ही गया, और ये कोई पॉइंट आपने ले लिया क्या, पी, कौन सा पॉइंट लिया, पी, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वन वाई वन, और ये पी, पी को जो है आप इधर एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर खींचते थे, परपेंडिकुलर, और इसको आप फोकस से मिला सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे पैराबोला का कि क्या होता है। ठीक है ना, तो व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब देखिए यहां पर स्टैंडर्ड इक्वेशन यदि आप देखते हैं, ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज नथिंग बट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये बहुत जो है कॉमन है, बहुत छोटा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, या हम दूसरे लैंग्वेज में कह लें कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट जो होगा वह किसका इक्वेशन होगा, पैराबोला का इक्वेशन होगा। ठीक है, लेकिन इसका
अब पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन, इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? तो x इक्वल टू ए टी का स्क्वायर, ठीक है, ए टी स्क्वायर, और y इक्वल टू टू ए टी, ठीक है। और यहाँ पर लेटस रेक्टम दैट मीन्स कि इस फोकस से आप इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक कर देते हैं L और L डैस, ठीक है, L और L डैस। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। और इसका डिस्टेंस होता है कितना? 4a। इसका डिस्टेंस कितना होता है? 4a, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स ये कितना, क्या है डायरेक्ट्रिक्स? तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है? अभी हम बता भी रहे थे, x प्लस ए इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। अच्छा, फोकल डिस्टेंस, फोकस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? फोकस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? तो फोकल इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वन वाई वन ऑन द पैराबोला फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन द पैराबोला मतलब फोकस से डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और पैराबोला क्या है आपका? वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, यही इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एफ पी का जो डिस्टेंस आप निकालेंगे एफ पी का, तो वो हो जाता है एक्स वन प्लस ए, एक्स वन प्लस ए। कितना सिंपल है। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी पैराबोला क्या होगा? टू पैराबोला, तो ये इक्वेशन हो जाता है वाई वाई वन इक्वल टू टू ए एक्स प्लस एक्स वन, टू ए इंटू एक्स प्लस एक्स वन। अच्छा, कंडीशन फॉर द लाइन टू टच द पैराबोला, अब टू टच द सर्कल वाला भी हम बताए थे कि क्या कंडीशन होगा कि टच करेंगे, ठीक ना। कंडीशन तो यही होगा ना कि शादी हो जाए तब आप एक दूसरे को टच करते रहे। तो कंडीशन फॉर द लाइन, कंडीशन फॉर द लाइन, तो कंडीशन फॉर द लाइन, तो लाइन कौन सा है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू टच द पैराबोला। तो टू टच दी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? फोर ए एक्स। टू टच दी पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। तो यहाँ पर सी इक्वल टू, यदि ए बाई एम हो तो ये टच कर सकता है, तो ये टच कर सकता है, ठीक है, तो ये टच करेगा, ठीक है। उसी तरह से कंडीशन फॉर द लाइन टू टच द पैराबोला हो गया। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टेंजेंट अभी आप निकाले थे, अब इक्वेशन फॉर द टेंजेंट भी देख लीजिए लास्ट में। इक्वेशन फॉर नॉर्मल टू द पैराबोला, पैराबोला क्या है? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? फोर ए एक्स, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ स्लोप, इन टर्म्स ऑफ स्लोप, और स्लोप कितना है? एम, ठीक है ना। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू। ये हो जाएगा आपका क्या? नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल का इक्वेशन।
और ये क्या है आपके सामने, टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। तो नॉर्मल टेंजेंट एंड नॉर्मल वी कैन फाइंड, ठीक है दोस्तों। ये था आपका कुछ पैराबोला के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे किसका, इलिप्स का, किसका देखेंगे, इलिप्स का। पैराबोला के बाद थोड़ा सा देख लें इलिप्स। अब इलिप्स में भी अभी जैसे हम बताए थे ना, यहाँ पर तो क्या मिला था आपको, पैराबोला, यहाँ पर क्या मिल गया था, पैराबोला। यदि इसको कुछ इस तरह से काट दें कि बेस नहीं कटे, बेस नहीं कटे, तब क्या मिलता है, इलिप्स। और इसको इसके परपेंडिकुलर आप देखते हैं, इसके क्या परपेंडिकुलर देखते हैं, तब जो मिलता है उसको बोलते हैं क्या, इलिप्स। इलिप्स में दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, एक्सिस तो आपका दो होगा ही होगा, ठीक ना, और ये दो कौन सा होगा, ये मान लीजिए कि आपका एलिप्स हो गया, तो ये जो होता है आपका, ये आपका वर्टेक्स हो गया और यही मेजर एक्सिस हो गया, और ये मिड पॉइंट से जब आप ड्रॉ करते हैं तो यही क्या होता है आपका, माइनर एक्सिस, ठीक है। ये क्या होता है, माइनर एक्सिस, और इसमें कहीं आपका फोकस, अब दो इसमें होगा, दो डायरेक्ट्रिक्स हुआ तो, ठीक है, और ये आपका लेटस रेक्टम हुआ, क्या हुआ, लेटस रेक्टम। अच्छा, किसी कोई पॉइंट P है इसमें एक्स वन वाई वन चाहे एक्स वाई, और इससे अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या फोकल डिस्टेंस F1 से या F2 से, फिर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट जो होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए ई जो है इधर माइनस ए ई जीरो हो जाएगा और इधर ए ई जीरो होगा। अब ई क्या है, तो ई है आपका इसेंट्रिसिटी, ई क्या है, इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, तो अभी आपको बताएंगे कि ए और बी यदि मेजर एंड माइनर एक्सिस हो, ए क्या है आपका मेजर एक्सिस और बी क्या है माइनर एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या होगा, क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा इसका, इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। अभी बात चल रही थी इसेंट्रिसिटी की, इसेंट्रिसिटी कैसे निकाल सकते हैं आप, देखिए इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, तो इसेंट्रिसिटी इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेटस रेक्टम यहाँ से एल एफ वन एल डैश, पूरा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम, और यही लेटस रेक्टम कहाँ जाएगा आपका, इधर भी आएगा, दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और इसका डिस्टेंस होता है टू बी स्क्वायर अपन ए, फोकस का जो है कोऑर्डिनेट बता दिए। अब कोई पॉइंट पी है, ठीक है ना, कोई पॉइंट क्या है आपका, पी है, और इसका डिस्टेंस एफ वन से और एफ टू से, क्योंकि ये भी एक एलिप्स बनाने के मेथड में है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब ये पी अभी यहाँ है, ये पी यहाँ चले जाए और इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो भी उतना ही आएगा जितना इसको जोड़ने के बाद आएगा, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको अब हम थोड़ा सा लिख देते हैं कितना होगा, बेसिकली टू ए होता है आपको मालूम होगा, ठीक है, नहीं मालूम हो तो आप मालूम कर लीजिए, सम ऑफ क्या लिखेंगे, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, ऑन द इलिप्स इज इक्वल टू द मेजर एक्सिस, दैट मीन्स कि आपका F1P
प्लस एफ टू पी इक्वल टू टू ए होता है, याद रखिएगा क्या होता है, टू ए। टू ए क्या है आपका, मेजर एक्सिस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कहाँ पर, एक्स वन वाई वन पर, टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वन वाई वन टू द इलिप्स, क्या होगा, टू द इलिप्स, और इलिप्स कौन सा है आपका, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा इस इलिप्स के ऊपर, तो इसका इक्वेशन होता है एक्स एक्स वन अपान ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो गया आपका, टेंजेंट का इक्वेशन। अब लास्ट वही कौन सा, कि टू टच द इलिप्स इक्वेशन, कंडीशन फॉर द लाइन, क्या कंडीशन फॉर द लाइन टू टच द इलिप्स। ठीक है ना, इलिप्स का कौन सा है, यही इलिप्स का इक्वेशन है, ये इलिप्स को ये कब टच करेगा। ठीक है ना, और लाइन कौन सा है, लाइन है आपका यही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इलिप्स कौन सा है आपका, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो इससे जो कंडीशन निकल करके आता है कि यदि c इक्वल टू हमारा क्या हो, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो ये जो है हमारा इलिप्स को टच करेगा। यदि यहाँ पर सी इंटरसेप्ट यदि ये वैल्यू हो तो ये टच करेगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है अभी इलिप्स देख लिए, और इसके पहले हम लोगों ने पैराबोला देखा था। अच्छा एक चीज़ और बता दें, सर्किल जैसा कुछ दुनिया में होता नहीं है। बोलिएगा कि सर आप पढ़ाए तो अभी, और सर्किल होता है दुनिया में, बहुत कुछ सर्कुलर है। ठीक है ना, एक्चुअली सर्किल इज नथिंग बट इट इज द स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, जहाँ पर कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जब मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इक्वल हो जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिप्स। अब लास्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला का भी कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि यहाँ भी जो है डायरेक्ट्रिक्स तो एक ही होता है। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि बनता कब है आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला में जब आपको हम अभी पैराबोला बताए थे ना, पैराबोला बताए थे, इसमें हाइपरबोला जब आप ऐसे काट देंगे कहीं भी एक साइड जो एक्सिस को नहीं टच करे, और तब जो मिलेगा ना उसको बोलते हैं क्या, हाइपरबोला। तब जो सेक्शन मिलता है क्या बोलते हैं उसको, हाइपरबोला। ठीक है, तो अब हाइपरबोला कितना बनेगा, एक इस साइड भी बन सकता है और एक इस साइड भी बन सकता है। तो दो हाइपरबोला किसी भी एक कोण में बनता है, किसी भी कोण को कट करेंगे, और कोण को कट करने के बाद ये सब कर्व बनते हैं, कौन कौन से, सर्किल भी बनता है। सर्किल कब बनेगा बताइए, यदि हम इसको ऐसे कट कर दें, सिंपल कट कर दें ऐसे, तो ये कट हो गया, और इसको ऊपर से जब आप देखेंगे तो नीचे बचा हुआ सेक्शन क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। फिर इस एपेक्स से होते हुए कट कर देंगे तो ट्रायंगल दिखेगा। ठीक है, लेकिन आइए पहले हाइपरबोला देख लें, क्योंकि कोनिक सेक्शन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वाले प्लेलिस्ट में आपको बड़े ही डिटेल से मिल जाएगा। ठीक है ना, वहां पर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ हाइपरबोला देखिए, तो अभी जैसा कि हम बताए कि डायरेक्ट्रिक्स भले एक हो, एक्सिस भले एक हो, एक्सिस क्या है, एक ही है, लेकिन यहाँ पर हाइपरबोला बनेंगे दो। ठीक है ना, एक इस साइड बनेगा और एक इस साइड बनेगा। जब दो साइड बनेंगे तो यहाँ पर आपके जो है वर्टेक्स भी दो होंगे, क्या वर्टेक्स भी दो होंगे, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पर अब आपका फोकस भी यहाँ पर F1 और इधर फोकस F2 हो जाएगा कि नहीं, इधर आपका ये डायरेक्ट्रिक्स Y और ये मान लीजिए वर्टेक्स V, और यहाँ V1 V2 मान लीजिए V1 एंड V2। तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला
दैट इज वेरी मच सिमिलर टू इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन क्या था, देखिए याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं, ये था कि नहीं, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक उसी तरह से यहाँ भी होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस आ जाता है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, देखिए यहां पर पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, ठीक है ना, और वाई इक्वल टू बी टेन थीटा, सेक थीटा एंड बी टेन थीटा। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना निकल करके आएगा, ठीक है ना, सेम वही वैल्यू निकल करके आएगा, वन प्लस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। देखिए तो इलिप्स में क्या आया था, थोड़ा सा याद कर लीजिए, माइनस यहां क्या हो गया प्लस, इक्वेशन में वहां क्या था प्लस, यहां क्या हो गया माइनस, बस यही चीज थोड़ा सा देखते रहिएगा। लेटस रेक्टम मतलब ये डिस्टेंस सेम जो इलिप्स में आएगा वही यहां भी आएगा, लेटस रेक्टम क्या आएगा, टू बी स्क्वायर अपन ए, टू बी स्क्वायर अपन ए, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, यहां पर यहां डायरेक्ट्रिक्स क्या हुआ था, नहीं लिखे थे तो लीजिए लिख देते हैं, यहां पर दोनों का सेम होगा, डायरेक्ट्रिक्स मतलब ये वाली, इसकी डिस्टेंस फोकस से, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस फोकस से कितना होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होता है यहां पर x इक्वल टू ए अपन ई, यहाँ दो है, और दूसरा क्या होगा x इक्वल टू माइनस ए अपन ई, और ई क्या है यहाँ पर इसेंट्रिसिटी, ध्यान रखिएगा। फिर जो जनरल इक्वेशन था उसको लिख दें, क्या था जनरल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दी, अब कोई पॉइंट यहाँ पर हम ले लिए हैं, कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए कि P है और X1 Y1, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट निकालते हैं, ठीक है ना, कहाँ पर X1 Y1 टू दी हाइपरबोला, ठीक है ना, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, पॉइंट तो ये हो गया, और हाइपरबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है, तो इसका इक्वेशन होगा टेंजेंट का एक्स एक्स वन अपन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। कंडीशन ऑफ द लाइन टू टच द हाइपरबोला, कंडीशन ऑफ और लाइन कौन सा है, यही है ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू टच दी हाइपरबोला, टू टच दी हाइपरबोला कब टच करेगा, यदि सी का वैल्यू, ठीक है ना, सेम इलिप्स वाला है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां प्लस था, यहां पे क्या आ गया माइनस, ठीक है ना। ये जो वर्टेक्स आप देखते हैं ना, ये जो वर्टेक्स आप देखते हैं वहां पर इलिप्स में इसको वर्टेक्स बोल दिए थे, यहां पर इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट्स, क्या बोलते हैं एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला, तो यहां पर आप लिख सकते हैं एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला। तो जो एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला निकालेंगे, हाइपरबोला का इक्वेशन मालूम है आपको, तो और एसिम्प्टोट्स भी दो है, आप देख पा रहे होंगे, एक इस साइड पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड, ठीक है ना, तो यहाँ पर एसिम्प्टोट्स भी दो होगा, तो क्या क्या होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू जीरो, और दूसरा होगा x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू जीरो, सही है। उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा, जब एसिम्प्टोट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक ना, क्या होगा इक्वेशन ऑफ दी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विथ एसिम्प्टोट्स
with asymptotes as axis, इसका होता है ए एक्स, सॉरी एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू यदि सी स्क्वायर आए, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा एसिम्प्टोट्स, ठीक है ना, और एसिम्प्टोट के साथ साथ क्या होगा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ध्यान रखिएगा हाइपरबोला का ही स्पेशल कंडीशन है कि जब टू एसिम्प्टोट्स मतलब जो दोनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है ना, तो एक्सिस की जगह उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स इक्वल टू सी टी होता है और वाई इक्वल टू सी वाई टी होता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। अब लास्ट दो मिनट में हम लोग नेचर ऑफ कोनिक देख लेंगे। नेचर ऑफ कोनिक में मतलब क्या है कि ये जो कोन को आपने काटा और डिफरेंट सेक्शन मिले उसी को हम लोग बोलते हैं कोनिक सेक्शन, क्या बोलते हैं कोनिक सेक्शन, ठीक है ना। तो अब ये नेचर ऑफ कोनिक सेक्शन थोड़ा सा देख लें बस दो मिनट में और इस लेक्चर को करेंगे अब फिनिश। ध्यान दीजिए द इक्वेशन जो है, इक्वेशन जो हमारा लेकर के चले थे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर पेयर ऑफ लाइन्स, ठीक ना, अब यदि हमको यहाँ निकालना हो पेयर ऑफ लाइन्स निकालना हो तो कब, यदि हमारा ए एच और यही मैट्रिक्स जो है हम बना लेते हैं एच वी एफ जी एफ सी इक्वल टू मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, तो दीज आर दी पेयर ऑफ लाइन्स। इसी इक्वेशन में सर्किल कब बनेगा, ध्यान दीजिए सर्किल कब बनेगा, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू बी हो जाए और एच इक्वल टू जीरो और ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ये जीरो ना हो। ये ट्रिकी सब क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। पैराबोला कब बनेगा दोस्तों, यही जो है इक्वेशन, पैराबोला कब बनेगा, पैराबोला तब बनेगा जब ए बी, ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो और डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं हो। ध्यान देखिएगा इलिप्स कब बनेगा, इलिप्स कब बनेगा, ध्यान दीजिए इलिप्स सॉरी पैराबोला में इक्वल टू जीरो होता है और इलिप्स में एच स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा और हाइपरबोला में क्या हो जाएगा लेस देन जीरो। ध्यान रखिएगा हाइपरबोला में ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो और तीनों ही कंडीशन में क्या होगा डेल्टा मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक है। जहां ए बी बराबर हो जाए एच जीरो हो जाए तो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दैट मीन्स कि ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो यहां पर अब एक चीज आप समझ गए कि एक ही कोनिक सेक्शन के चार पांच बच्चे हैं, ऐसे तो छः सात बच्चे हैं लेकिन मेन मेन सर्कल का ये कंडीशन और ये इक्वेशन तो आपको याद होना चाहिए। हालांकि ये जनरल इक्वेशन है, जब हम लोग पढ़ेंगे क्या ज्योमेट्री तो कोनिक सेक्शन उसमें ये बड़ा फ्रिक्वेंटली आएगा, उसमें ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आएगा जिसको कि हम लोग देखेंगे। और पेयर ऑफ लाइन यदि निकालना हो, लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो ये आपका इक्वेशन है। सर्किल देखना हो कि ये सर्किल कब होगा तो ये इक्वेशन है कि ए और बी बराबर हो जाए और एच जो है आपका जीरो हो जाए, ठीक है। उसी तरह से एच क्या है, बेसिकली सेंटर है, ठीक है। उसके बाद पैराबोला, ठीक है, एलिप्स,
हाइपरबोला एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो दोस्तों आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा, अब एक बार 2 मिनट में इसको समराइज करके आगे बढ़े। आज हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री देखना शुरू किया था, ठीक ना। इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में हम लोगों ने कार्टेजियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट और इसी को सॉफ्टवेयर में WCS UCS बोलते हैं, ये हम बता दिए, ठीक ना। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल कैसे निकालते हैं, सेंट्रॉयड, इन सेंटर और सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है और कैसे निकालते हैं, सब बताए थे। उसके बाद हम आ गए थे कहाँ पर, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं और उस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं ये बताए थे हम, ठीक ना। m इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1। फिर ये आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें लाइन का स्लोप क्या होगा, ये कोई इक्वेशन है तो क्या होगा स्लोप। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन यदि इंटरसेप्ट c हो, स्लोप m हो तो कैसे निकालते हैं, ये हमने आपको बताया, ठीक ना। उसके बाद जो है आप देखेंगे तो कटिंग इंटरसेप्ट ए बी कैसे निकालते हैं, वही लाइन के इक्वेशन में हमने बताया कि दोनों को यदि कट कर रहा हो कैसे कट करेगा, ऐसे कट करेगा, ठीक है ना। ये कहाँ पे कट गया, ए पे, और ये कहाँ कट गया, बी पे। लाइन पासिंग थ्रू x1 y1, ठीक ना, हैविंग स्लोप m, तो क्या होगा उसका इक्वेशन। फिर ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 मेकिंग एन एंगल डेल्टा थीटा विद दी एक्स एक्सिस, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, अभी हम लोगों ने देखा। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोगों ने देख लिया कि दो इक्वेशन से इंटरसेक्ट कर रहा हो तो, फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग स्लोप m1 एंड m2 हो तो, और इसमें कि दो लाइन पैरेलल कब होगा, जब दोनों का स्लोप बराबर होगा। ऑर्थोगोनल कब होगा, मतलब परपेंडिकुलर कब होगा, जब उसका प्रोडक्ट -1 होगा। फिर एनी लाइन पैरेलल टू द लाइन कब होगा, ये इक्वेशन है। फिर परपेंडिकुलर कब होगा, ये कंडीशन आपको बताए थे, ठीक है। फिर उसी तरह से लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1, जैसे कोई लाइन है और x1 y1 कोई ये पॉइंट है, ठीक ना, इसके परपेंडिकुलर कब होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, ये बताए थे। फिर हम लोग स्टार्ट किए थे सर्कल, सर्कल में जो है ये इक्वेशन सब बताए थे। सर्किल का मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये याद रखिएगा, ठीक ना, बाद में पर्टिकुलर इक्वेशन तो ये है ही, ठीक ना, जब सेंटर H और K हो, ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। इस तरह से ये सारी कहानी बताए थे, कंडीशन फॉर लाइन टू टच दी सर्कल ये सब बताए थे, ठीक ना। और सर्कल के बाद जो है हम आ गए थे कोनिक सेक्शन पर, कोनिक सेक्शन का कॉन्सेप्ट बताए थे और पैराबोला का इक्वेशन लिख करके पैराबोला के बारे में पूरा डिटेल बताए थे, ठीक है। देखिए बड़ा पेशेंस से आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि आप बैठ करके 5 घंटा सिनेमा देख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 घंटा या 2 घंटा, कई बार तो बच्चे 4-4, 5-5 सिनेमा एक साथ देख जाते हैं, तो ये भी आप मानकर चलिए कि एक साथ आपको कई सारे वीडियो देखने हैं और वो भी कंसंट्रेशन के साथ, ठीक ना। 1 घंटा काफ़ी होता है कंसंट्रेशन के साथ बैठना, ठीक है। तो ये हमने एलिप्स बताया आपको, एलिप्स के कॉन्सेप्ट बताए, एलिप्स के इक्वेशन बताए, और एलिप्स और हाइपरबोला दोनों एक दूसरे के थोड़ा बहुत अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये आपको बताया कि एलिप्स में 2 फोकस होता है, इसमें लैटस रेक्टम क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, यही सब वर्टेक्स है V1 और V2, ठीक ना। तो ये सबका इक्वेशन बताए, कोई पॉइंट कब टच करेगा, कब टेंजेंट होगा, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ये सब इतना शानदार बताए हैं कि शायद ही किसी बुक में इकट्ठा मिले आपको, ठीक है। फिर हाइपरबोला, ठीक ना, हाइपरबोला में और इलिप्स में प्लस माइनस का अंतर है इक्वेशन में, ध्यान रखिएगा। ये सब डिस्टेंस बताए थे xy = c2, ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है, ठीक ना। और जाते जाते अब आपको कोनिक सेक्शन का ये पार्ट बताए थे कि एक ही कोनिक सेक्शन का स्टैंडर्ड इक्वेशन यही है, और इसी इक्वेशन में आप लाइन का भी इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं, सर्कल का भी, पैराबोला का भी, एलिप्स का भी, हाइपरबोला का भी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का भी, कंडीशन अलग अलग होगा, ध्यान रखिएगा। मतलब कोई भी आपका क्या है, कोन है, ठीक ना, ये आपका कोन है,
और इसका ये एक्सिस है, एक बार थोड़ा सा ये बता देते हैं, ठीक है। अब इसको यदि आप जो है सिंपल ये कट कर देते हैं इस तरह से, और इसके जो कटिंग प्लेन है ना, इसके आप परपेंडिकुलर देखते हैं हमेशा, ठीक है ना। कैसे देखना है, ऐसे देखना है, जो भी कटिंग प्लेन होगा, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, सर्कल। इसी को थोड़ा सा जो है हम कट कर देते हैं कैसे, ऐसे, तो ये मिल जाता है क्या आपको, एलिप्स, ठीक है। फिर कुछ इस तरह से कट कर देते हैं कि ये जो है बेस को कट कर दे, बेस भी कट हो जाता है। जब बेस भी कट हो जाएगा तब जो आप देखेंगे तो क्या मिलता है आपको, क्या मिल जाता है, पैराबोला, ठीक है। और यदि आप सिंपल एक साइड कट करते हैं, क्या एक साइड कट कर देते हैं इधर से, तो इधर भी कट कर सकते हैं, तो ये मिल जाता है क्या आपको, हाइपरबोला, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्ट इसको ऐसे कट कर देते हैं पैरेलल टू एक्सिस, तो यही जो है आपको मिल जाता है क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इधर से भी आप इधर देखेंगे, इधर से देखेंगे, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसीलिए हम थोड़ा अलग अलग करके दिखाए हैं। अच्छा, कैसे भी आप कट करें, कैसे भी कट करें, यदि आप एपेक्स से कट कर देते हैं, क्या एपेक्स से कट कर देते हैं, जैसे ये ऐसे आप कट कर देते हैं कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी आप कट कर देते हैं, तो ये जो आप कट करते हैं ना, यदि एपेक्स से होकर के जा रहा है, तो ये बनता है आपका क्या, ट्रायंगल, और कौन सा, आइसोसेलस ट्रायंगल जनरली बनता है, ठीक है, या ट्रायंगल बनेगा, कौन सा ट्रायंगल वो अपन देख लेंगे, ठीक है, आइसोसेलस ट्रायंगल ही जनरली बनता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है जो जनरेटर है कोन के, तो दोनों साइड बराबर होंगे। तो आई थिंक कि आज का लेक्चर भले ही थोड़ा सा लंबा चौड़ा गया हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, और इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक ना। फिर हम लोग किसी नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, क्योंकि जैसे ये लेक्चर नंबर 1 to 5 तक ने में हमने कॉन्सेप्ट को किया है, लेक्चर नंबर 2 में अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट बताए, आज ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बता दिए, फिर इसी सीक्वेंस में ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बताएंगे, कैलकुलस का कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज यही तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।